नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 14,506 कोविड मामले सामने आए, 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की जीत के साथ जम्मू जेट उमरान मलिक दूसरे ही मैच में बने हीरो, आखिर में 3 गेंदों में पलट दिया मैच, मिल रही खूब बधाइयां। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कड़ी सुरक्षा में जम्मू से एलजी मनोज सिन्हा ने किया पहला जत्था रवाना, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। छात्र बदलेंगे कृषि और बागवानी क्षेत्र का चेहरा, स्कॉस्ट की 7वें कॉन्वोकेशन समारोह में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में मिले गड़बड़ी के सबूत, रद्द होने की आशंका, प्रशासन ले रहा कानूनी सलाह। जम्मू शहर में बाइक स्कूटी चोरों का बांडाफोड़, 5 गिरफ्तार, कब्जे से 20 स्कूटी और बाइक बरामद। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहनों को बेचते थे। उदयपुर हत्याकांड पर जम्मू में प्रदर्शन, शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आखिर पर मौसम की जानकारी, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क देखने को मिला, वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में गर्म और खुश्क मौसम रहने का अनुमान लगाया है। बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 21.5 और जम्मू का 31.2 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।